गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड पेरेंट्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन मैथमेटिक्स क्लासेस। टुडे आई हियर विद आवर चैप्टर 6 सिंपलीफिकेशन। तो सिंपलीफिकेशन आज हम स्टार्ट करेंगे। सिंपलीफिकेशन में जब आपको टर्म सॉल्व करनी है तो हम एक रूल यूज करते हैं टर्म्स को सिंपलीफाई करने के लिए, मोड ऑफ मास। सो डी क्या होता है आपके पास? ब्रैकेट्स, ओ ऑपरेटर जिसको हम ओ पी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि इन दी टू टर्म्स है, अगर ये लिखा हुआ है 3 ऑफ 1 बाय 5, इसका मतलब क्या है 3 को 1 बाय 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट है डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास टर्म गिवन है, जो भी इक्वेशन गिवन होगी, सबसे पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करोगे। अगर आपको ऑपरेटर गिवन है उसमें, तो ऑपरेटर, देन डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन हमें लास्ट में सॉल्व करनी है। अब ब्रैकेट्स की बात आती है तो ब्रैकेट हमारे पास फोर टाइप के होते हैं। एक हमारे पास होता है बार, जी 3-4 ये बार लिखा है, ऐसे टर्म लिखे होती है, यानी ऊपर छत बना लेंगे तो ये क्या है, बार है। तो सबसे पहले हमें बार सॉल्व करना होता है, देन ये हमारे स्मॉल ब्रैकेट है, फिर हम स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर मिडल, इसको हम कर्ली ब्रैकेट भी बोलते हैं, फिर हम मिडल ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, और सबसे लास्ट में हम लार्जर ब्रैकेट जो होती है हमारी, जिसको हम बिगेस्ट ब्रैकेट भी बोलते हैं, लार्जेस्ट ब्रैकेट भी बोलते हैं, और उसको रेक्टेंगुलर ब्रैकेट भी बोलते हैं। ये सभी क्या है हमारी ब्रैकेट्स है। तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है, ब्रैकेट में भी सबसे पहले बार, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर कर्ली और मिडल ब्रैकेट, उसके बाद सबसे लार्जर ब्रैकेट यानी रेक्टेंगुलर ब्रैकेट जिसको बोलते हैं। उसके बाद ऑपरेटर, देन डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इसको हम बोर्ड मास रूल बोलते हैं। अब हम एक्सरसाइज 6.8 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 6 से क्या है हमारे पास, सिंप्लीफाई 21-12 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2। हमारे पास रूल है बोर्ड मास। बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑपरेटर, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। अब ना तो यहाँ पर हमारे पास ब्रैकेट है और ना ही इसमें ऑपरेटर है, तो हम क्या सॉल्व करेंगे, डिवाइड। तो आपको ये टू टर्म्स ऐसे देखने हैं जिसके बीच में डिवाइड का साइन है, तो 12 और 3 के बीच में डिवीजन का साइन है। तो 12 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, बीच में क्या साइन है, -4 × 2। उसके बाद हमें क्या सॉल्व करना है, आप 21 में से 4 माइनस करके नहीं लिखोगे, डिवाइड के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है मल्टीप्लीकेशन। तो हम -4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 21 -4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -8। अब एडिशन नहीं आ गया, सब्ट्रैक्शन, तो 21 -8 क्या होगा हमारे पास, 30। तो क्या आंसर हुआ हमारे पास, 30। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करना है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर फोर्थ कराती हूं। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है हमारे पास, लार्जर ब्रैकेट 4 प्लस मिडल ब्रैकेट 16 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 12 -2 मिडल ब्रैकेट क्लोज एंड लार्जर ब्रैकेट इज ऑल्सो क्लोज। अब इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करनी है, ब्रैकेट, और सबसे स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, और सभी टर्म को आपको एज इट इज लिखना है। 19 प्लस 4 एज इट इज प्लस मिडिल ब्रैकेट एज इट इज -16 प्लस 12 और -2, 12 में से 2 माइनस करोगे 10, ब्रैकेट हमने ओपन कर दिया एंड स्मॉल ब्रैकेट तो खत्म हो गया यहाँ से। अब मिडिल ब्रैकेट और लार्जर ब्रैकेट, अब हम मिडिल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 19 प्लस 4 प्लस, अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है तो 16 -10 6 एंड लार्जर ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट मिडिल ब्रैकेट भी यहाँ से क्या होगा, फिनिश हो गई। एंड 19 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 6 10, 19 प्लस 10 इज 29। याद रखना है पहले सबसे स्मॉल ब्रैकेट, अगर उसमें एडिशन होगा तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई हो रही है तो टर्म मल्टीप्लाई करनी है, और डिवाइड हो रही है तो टर्म डिवाइड करनी है। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ था ये हमारे पास, तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ मैंने आपको करा दिया। फिफ्थ और सिक्स्थ एज इट इज, इसी तरीके से आप करेंगे क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन है हमारे पास, 4 साइड 4 बाय 5 डिवाइडेड बाय 3 बाय 5 ऑफ 5 प्लस 5 बाय 5 इंटू 3 बाय 10 माइनस 5। तो बोर्डो मास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व कर दिया जाता है, तो ब्रैकेट तो इसमें हमारे पास सही नहीं है। उसके बाद आता है ऑफ, ऑफ गिवन है तो ऑफ का मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि आपको टू टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले इसमें हम ऑफ सॉल्व करेंगे, और ऑफ सॉल्व करने से पहले जो हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन है इनको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 5 × 4 = 20, 20 + 4 = 24 / 5 / 3 / 5
होता क्या है, मल्टीप्लाई, यानी पहले हमें इन दोनों टर्म को सॉल्व करना है, प्लस 4/5 इनटू 3/10 माइनस 1/5, तो 24/5 डिवाइडेड 5 से 5 कैंसिल, तो 3 हुआ सकते यहाँ पर, प्लस 4/5 इनटू 3/10 माइनस 1/5। हम एक बार में एक ही स्टेप सॉल्व करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम नेक्स्ट लाइन में सॉल्व करेंगे। अब हमें क्या करना है, ऑफ के बाद डिवाइड, ये दोनों टर्म आपस में डिवाइड हो रही है, तो कैसे डिवाइड करना, 24/5 डिवाइडेड बाय 3। अब 24/5 को आपको 3 से डिवाइड करना है, तो 24/5 इनटू, और इस 3 का मैस्टर को हम क्या लिखेंगे, 1/3। स्टेप आपको याद रखना है कि डिवाइड के बाद अगर कोई टर्म है आपके पास, तो उस टर्म का हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, और बीच में सिंपल किस करते हैं, मल्टीप्लाई। अब 3 × 3 = 24, तो टर्म हमारे पास मतलब 8/5, ये टर्म सॉल्व कर आंसर हुआ 8/5 प्लस 4/5 इंटू 3/10 माइनस 1/5। अब नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करते हैं, अब करना है हमें मल्टीप्लीकेशन, तो 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, और कोई टर्म तो कैंसिल नहीं हो रही है, तो 8/5 प्लस 3 × 2 = 6 एंड 5 × 5 = 25 माइनस 1/5। इसके बाद मल्टीप्लाई भी कर लिया, उस नेक्स्ट स्टेप आता है हमारे पास एडिशन, पहले इन दोनों टर्म को ऐड करें, फिर उसमें से जल से रहे टर्म से माइनस कर दें, या फिर हम आपने ऐसे फ्रैक्शंस किए थे जिसमें हम 3 फ्रैक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हम तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, 5 × 25 एंड 5 का एलसीएम होगा आपके पास 25। अब 25 को 5 से डिवाइड करोगे, 5 और 5 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे, 40। हम क्या करते हैं, जो डिवाइड करते हैं, जब हम एलसीएम लेते हैं तो डिनोमिनेटर को हम एलसीएम से डिवाइड करते हैं, और जो टर्म आती है उसको न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने 25 को 5 से डिवाइड किया 5, और 5 को 8 से मल्टीप्लाई किया, तो 8 × 5 = 40, जिसमें से n प्लस 25 / 25 = 1 एंड 1 × 6 = 6 माइनस 25 / 5 = 5 एंड 5 × -1 = -5। अब सॉल्व करो, 40 + 6 = 36 − 5/25 − 41 = 41/25। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, 45 को 25 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्वेश्चन तो 1 आएगा। तो इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अगर स्टेप भी आ गए तो ही क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो फिर आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ही कन्फ्यूज हो गए। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है, फिर ऑफ सॉल्व करना है, ऑफ के बाद फिर हमें डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन एंड फिर सब्ट्रैक्शन, तो बोर्ड मार्क्स के रूल के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपको करा दिया, 8 और 9 आपको ट्राई करके देखोगे। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास 5 × 7 माइनस मिडिल ब्रैकेट 3 × 3/10 डिवाइडेड बाय स्मॉल ब्रैकेट 2 × 4/5 माइनस 7/10 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज एंड मिडिल ब्रैकेट क्लोज। तो सबसे पहले हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद फिर हम इसकी ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो 5 × 7 = 35 + 1 = 36/7 माइनस 10 × 3 = 30 + 3 = 33/10 डिवाइडेड 5 × 2 = 10 + 4 = 14/5 माइनस 7/10 सॉल्व कर लिया। अब पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो 36/7 माइनस 33/10 डिवाइडेड बाय, आपको बताया था जब भी आप किसी भी टू फ्रैक्शंस को माइनस कर रहे हैं, अगर वो लाइक फ्रैक्शन है तो हम उसके न्यूमिनेटर में से न्यूमिनेटर को माइनस कर देते हैं, लेकिन अगर वो लाइक फ्रैक्शन नहीं है तो हमें उसके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना होता है। एलसीएम ऑफ 5 × 10 = 10, एलसीएम ऑफ 10, 10 को 5 से डिवाइड करोगे 2, और 2 को 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 28 माइनस 10 / 10 = 1 एंड 1 × 7 = 7 ब्रैकेट में रखते हैं। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, 36/7 ब्रैकेट रिली ब्रैकेट 33/10 डिवाइडेड बाय 28 में से 7 माइनस किया 21/10 रिली ब्रैकेट क्लोज मिडिल ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट में हम सॉल्व कर चुके हैं। अब आगे 36/7, अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारे पास बीच में डिवाइड का साइन है किसी भी टू टर्म में, तो हम जो लास्ट वाले टर्म है यानी राइट हैंड साइड जो टर्म है उस टर्म का रेसिप्रोकल कर देंगे, तो माइनस 33/10 इंटू 10/21, तो 10 से 10 कैंसिल ब्रैकेट में रखो इसे एंड 3 × 3 = 3 × 3 = 21। इस डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर कैंसिल हो गया, इस न्यूमिनेटर से ये वाला डिनोमिनेटर हमने कैंसिल कर दिया, तो क्या हुआ 36/7 - 8/1।
सेवन माइनस करते हैं, 36 माइनस 11 क्या होगा आपके पास, 25 बाय 7। अब इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 7 टाइम्स 8 डिनोमिनेटर कितना होगा, आपको डिवाइड करोगे जब इसे। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आप सभी को आता है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। 7 3 25, 5 में 7 सब्ट्रैक्ट किया 4, तो क्या हुआ 3 साइड 4 बाय 7। क्वेश्चन को हम साइड लिखते हैं, न्यूमरेटर को हम न्यूमरेटर में लिखते हैं, और डिवाइजर क्या होता है हमारे पास, डिनोमिनेटर दोनों में से लगता है। तो आंसर आया हमारे पास 3 साइड 4 बाय 7। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 था, 11 12 आपको ट्राई करोगे। अब मैं आपको कराती हूँ क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या हमारे पास, 1 साइड 5 बाय 6 प्लस 2 साइड 2 बाय 3 माइनस मिडल ब्रैकेट 3 साइड 3 बाय 4 स्मॉल ब्रैकेट। देखो यहाँ पर कोई साइन नहीं है, इसका मतलब क्या है, हमें आपस में मल्टीप्लाई करना है। ब्रैकेट 3 साइड 4 बाय 5 डिवाइडेड बाय 9 साइड 1 बाय 2 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज मिडल ब्रैकेट क्लोज एंड लार्जर ब्रैकेट इज ऑल्सो क्लोज। लास्ट में ब्रैकेट को क्लोज भी करना होता है। तो सबसे पहले इसकी मिक्स फ्रैक्शन है सभी में, तो इसे हम सिंपलेस्ट में यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिख लेते हैं। 6 प्लस 5 11 बाय 6 प्लस 3 टू 6 6 प्लस 2 8 बाय 3 माइनस 3 4 12 12 प्लस 3 15 बाय 4 मिडल ब्रैकेट हो गई यहाँ से स्मॉल ब्रैकेट 3 5 का 15 15 प्लस 4 19 बाय 5 माइनस डिवाइडेड बाय 9 टू 18 एंड 19 बाय 2 ब्रैकेट क्लोज। अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या है, स्मॉलेस्ट जो ब्रैकेट है उसको सॉल्व करें। 11 बाय 6 प्लस 8 बाय 3 माइनस, सभी टर्म एज इट इज रहेंगे जिनको अभी हमें सॉल्व नहीं करना है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इनटू का साइन लगा लो यहां पर, 19 बाय 5 इनटू 2 बाय 19। अभी मैंने आपको बताया था ये ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि बीच में हम डिवाइड कर रहे हैं दोनों टर्म को। 11 बाय 6 एज इट इज प्लस 8 बाय 3 माइनस 14 बाय 4 इनटू 19 से 19 कैंसिल, क्या होगा हमारे पास ओनली 2 बाय। अब इस टर्म को भी आप सॉल्व कर लेते हैं, 5 इंटू 5 5 3 से 15 डबल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 2 2 2 जा 4, तो 11 बाय 6 प्लस 8 बाय 3 माइनस 3 बाय 2। अब हमें क्या करना है, इस जो लार्जर ब्रैकेट है उसको सॉल्व करना है, और फिर लास्ट में हम 11 बाय 6 में इस टर्म को ऐड कर देंगे। 11 बाय 6 अब ब्रैकेट ओपन करके भी सॉल्व कर सकते हैं, तीनों टर्म को एक साथ ले सकते हैं, लेकिन पहले हम ब्रैकेट को ही सॉल्व कर लेंगे। प्लस एलसीएम हुआ 6, 3 2 जा 6, 2 को 6 से बैठेगी माइनस 3 3 जा 9, तो 11 बाय 6 प्लस 16 में से जब आप 9 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास क्या होगा, 7 बाय 6। अब 11 अब दोनों की डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे, तो 11 प्लस 7 इज 18 एंड सो आपको 16 जा 6 3 जा 18 का आंसर आया आपके पास 3। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है सिर्फ क्वेश्चन को, अगर स्टेप याद है तो भी आप बिना मिस्टेक क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 13 मैंने करा दिया, 14 आप खुद ट्राई करके देखोगे। अब मैं करा रही हूं क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 15 क्या है हमारे पास, 7 साइड 1 बाय 2 माइनस लार्जर ब्रैकेट 2 साइड 1 बाय 4 डिवाइडेड बाय स्मॉल मिडल ब्रैकेट 1 साइड 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 2 स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट 3 बाय 2 माइनस 1 बाय 3 बार माइनस 1 बाय 6 एंड रैपिड। जब भी मैंने आपको बताया था तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, बार सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म लिख लेते हैं, 7 टू 14 प्लस 1 15 बाय 2 माइनस 2 4 जा 8 प्लस 1 9 बाय 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 5 बाय 4 माइनस 1 बाय 2 3 बाय 2। अब आपको ये ब्रैकेट सॉल्व करनी है, तो इस माइनस का साइन इस ब्रैकेट से बाहर है, आपको ये चीज याद रखनी है। तो एक आपको स्टेप याद रखना है, जब भी आप किसी भी ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हो ब्रैकेट से बाहर, जब भी आप किसी ब्रैकेट को ओपन कर रहे हो अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का सिंबल है तो अंदर के सभी सिंबल क्या होंगे, चेंज होंगे। जैसे 1 बाय 3 है पॉजिटिव है और ये माइनस 1 बाय 6 नेगेटिव है, तो ये 1 बाय 3 का नेगेटिव हो जाएगा और 1 बाय 6 क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको क्या, माइनस 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 6। मैंने इसलिए किया अभी इन दोनों को ऐड इसलिए नहीं किया, इन दोनों टर्म्स को सॉल्व इसलिए नहीं किया कि हम 3 टर्म्स को एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। अब हम ऑलर ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, 15 बाय 2 माइनस था यहाँ पर 9 बाय 4 डिवाइडेड बाय 3 बाय 4 माइनस 1 बाय 2 स्मॉल ब्रैकेट 2 3 एंड 6। फ्रैक्शन में हम इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, सिर्फ अगर अभी आपको ये टर्म सॉल्व करनी है, एलसीएम होगा 6
6 को 2 से डिवाइड करोगे तो 3 और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 9. 6 को 3 से डिवाइड करोगे 2 और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2. 6 divided by 6 is 1 and 1 multiplied by 1 is 1. अब सॉल्व करो इसे. 15 by 2 minus 9 by 4 divided by 5 by 4 minus 1 by 2. 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना हुआ 7. 7 plus 1 8 by 6 आ गया मेरे पास. अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है. 2 1 2 2 4 8 2 2 4 2 3 6. तो क्या कंडीशन है हमारी, 15 by 2 minus 9 by 4 divide 5 by 4 minus 4 by 3. हमारे पास मिडल ब्रैकेट में ये दोनों टर्म है, इनको सॉल्व कर लो. 15 by 2 as it is, अभी सभी टर्म as it is रहेंगी, डिवाइड के साथ. अब 5 by 4 minus 2 by 3 है, as it is 4 और 3 कट 12. जब हम 12 को 4 से डिवाइड करेंगे 3 और 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 minus 12 divided by 3 is 4 और 4 multiplied by 2 is 8. अब next step 15 by 2 minus 9 by 4 divided by 15 में से 8 आपने जब subtract किया तो आपके पास term क्या हुई 7 by 12. It close. अब करेंगे next step 15 by 2 minus डिवाइड करने हैं दोनों टर्म को तो 9 by 4 मल्टीप्लाई बाय 12 बाय 7. 4 वन जा 4 एंड 4 3 जा 12 और तो कोई टर्म कैंसिल आउट नहीं हो रही है तो 15 बाय 2 माइनस 9 3 जा 27 बाय 7 यहाँ पर हमारे पास टर्म आ गया. अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमें 2 और 7 कैंसिल नहीं है तो एलसीएम क्या होगा 14, क्योंकि इन दोनों टर्म को हमें सब्ट्रैक्ट करना है. 14 divided by 2 is 7 and 7 multiplied by 15 is 105 minus 14 divided by 7 is 2, 2 multiplied by 27 is 50. अब subtract करो, 105 में से जो हम 54 subtract करेंगे, हमारे पास क्या टर्म आएगी 51 divided by 14. और जब आप इसको mixed fraction में लिखोगे तो आंसर आएगा आपके पास 3 side 9 by 14. तो यही था, पहले बार सॉल्व करना है, फिर आपके पास small bracket, middle bracket और बोर्ड मास की रूल के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं. तो ये एक्सरसाइज 6A का लास्ट क्वेश्चन था, तो आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है. जितना आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप इजीली इनको सॉल्व कर सकोगे.